रामायण के रीटेलीकास्ट से राम लक्ष्मण हुए इमोशनल। 33 साल बाद भी ऑन एयर होने से शो बना नंबर वन। रामायण के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी ने किया फैंस का शुक्रिया। अरुण गोविल ने भी कहा रामायण से युद्ध को मिलेगी इंस्पिरेशन। लॉकडाउन के चलते जहां पूरी दुनिया घर में बैठी बोर हो रही है, वहीं रामायण एक बार फिर से ऑन एयर हो जाने से लोगों में एक अलग ही तरह की दिलचस्पी दिखी शो के लिए। फैंस ने भरपूर प्यार दिया शो को। इस लॉकडाउन में जितने भी 90s के शोज हाल फिलहाल में ऑन एयर हुए, सबको रामायण ने पीछे छोड़ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 33 साल बाद रिटेलीकास्ट होकर भी शो बना नंबर वन, और इसी सक्सेस को देखकर काफी इमोशनल हुए लक्ष्मण यानी सुनील लहरी। सुनील ने कहा, हेलो दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम के सभी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो और जो मेरे काम की सराहना कर रहे हो, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये कहूँगा कि आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, एंड आई एश्योर एवरीवन कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा और जब भी काम करूँगा अच्छा काम करूँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सक्सेसफुल रहिए, यही मैं आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वहीं शो में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी शो के सक्सेस को लेकर काफी खुश है, और एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते वक्त अरुण ने कहा, ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि आपके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट्स को सालों बाद भी लोगों का ऐसा प्यार पॉपुलैरिटी मिले। रामायण को आज के युद्ध का बेहद प्यार मिल रहा है। इस पर अरुण गोविल ने कहा, रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर जनरेशन रिलेट कर सकती है। ये ऐतिहासिक शो तब भी रेलेवेंट था और आज भी। रामायण का मूल आधार कभी अपनी महत्वता नहीं खो सकते, वे कभी पुराने नहीं हो सकते। रामायण के रीटेलीकास्ट से लोगों के जिंदगी में बेहतरी आएगी, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। खास बात ये है कि लॉकडाउन की वजह से युद्ध को इससे कनेक्ट होने का वक्त मिला है। हम इस वक्त काफी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं, हम सभी के पास अभी वक्त भी है, इसलिए भी युद्ध रामायण से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है। तो आप कितने खुश हुए लॉकडाउन में रामायण के रीटेलीकास्ट से, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही ढेर सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली मसाला।